सरोकार। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। ये सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाह्य, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना है। पहले चरण में 898 मोहल्ले हैं। 5,535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। सुबह 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। कोरोना के चलते 1 घंटे का समय बढ़ाया गया है पोलिंग बूथों के पे। वहीं किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो जाए, इसके लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन्हें संवेदनशील रखा गया है और कई ऐसी जगह है जहां पे आज कई मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 1 घंटे का समय भी बढ़ाया है। 623 उम्मीदवारों की पहले चरण में किस्मत का फैसला होगा। तो वहीं तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और ईवीएम मशीन जिसको लेके हमेशा विवाद होता है उसके लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज सुबह चुनाव शुरू होने से पहले, वोट शुरू होने से पहले ही ऐसी खबरें भी सामने आई जहां पे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें भी सामने आई। आगरा, मथुरा, कई ऐसी जगह है जहां से ईवीएम खराब होने की खबरें भी आई, जहां पे इनकी फिर से ठीक भी किया गया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। नितेश, आप पोलिंग बूथ पे पहुंच चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है? अगर शिखा मैं सुरक्षा की बात करूंगा तो सुरक्षा बहुत ही ज्यादा चाक चौबंद है और लगातार सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े किए गए हैं कि कोई भी गलती होने की कोई भी प्रक्रिया नहीं चल सकती यहाँ पर। जी नितेश, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्या? सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो चुका है पोलिंग बूथ पे। मैं आपको सिखा बता दूं, लगातार काफी ठंड की वजह से थोड़ा पोलिंग बूथ पर जो लोगों को आना था तो थोड़ा धीरे धीरे आने हैं, लेकिन हाँ लोगों में बहुत सारा हर्ष उल्लास है। वोटिंग वोट डालने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और थोड़े ठंड के मारे, ठंड के कारण थोड़ा सा पब्लिक मतलब जो है जनता कम आ पा रही है। नितेश, चुनाव शुरू होने से पहले ही ऐसी खबरें भी सामने आने लग गई कि मतदान देने से पहले ही ईवीएम खराब, तो उसकी जो है ईवीएम को बदला भी गया है, ठीक भी किया गया है, तो क्या कुछ जानकारी है आपके जिले में भी ऐसी कोई खबर सामने आई है? मैं हाँ, जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हुआ वहां पर एक ईवीएम भी खराब हुई है और पब्लिक को अच्छा खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। जो 1 घंटे से लाइन में लगे हुए थे उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा परेशानी का, तो उस ईवीएम को बदलकर दूसरी ईवीएम लाई गई है, तो अब वोटिंग हो रही है। जी नितेश, हम चाहेंगे कि आप जनता से बात करें जो वोट डालने आए हैं और उनको किन सुविधाओं का सामना करते हुए वोट डालना पड़ रहा है और जो माहौल है उसको लेकर बातचीत करिए। मैं आपको शिखा एक और शिखा मैं आपको बता दूं, अगर प्रोटोकॉल कोरोना की बात करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं रखी गई है। एक ग्लव्स भी दिया गया है हाथों में पहनने के लिए और एक मास्क भी दिया है उसको लगाने के लिए और सैनिटाइजर कराया जा रहा है, उससे भी लोगों को काफी अच्छा फील हो रहा है। और आइए हम जानते हैं जो वोटिंग करके आए हैं उनके बारे उनसे कि क्या उनको कैसा लगा और क्या चीज है। सर आप वोटिंग कर चुके हैं? जी। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हुआ है वोटिंग कर कर? वोटिंग करके क्या फील हो रहा है? ठीक, अच्छा ही लगा। वोटिंग करके तो अच्छा ही लगता। आगामी सरकार से आप क्या चाहते हैं? आगामी सरकार से ये चाहते हैं खूब गुंडई हो, खूब लूटपाट हो, रोज रात को बसें लूटे, ये चाहते हैं। व्यापारियों से चौथ वसूली हो, गुंडे आए कैसा, 500 रुपए तो हमें आज चाहिए दारू के लिए, हमको दारू के पैसे देंगे, ये अच्छा लगेगा, ऐसी सरकार चाहिए। आप देख सकते हैं जी, सबके अपने अपने मत है, सबके अपने अपनी सोच है।
जी नितेश, वोट करने के लिए तो सब आ ही रहे हैं और उत्साह भी देखने को मिला। सुबह सुबह लोग अपना मत का उपयोग करने आए हैं, लोकतंत्र के पर्व में सहयोग दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और जिले में कितने बूथ सेंटर है जहां पे सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है? मैं आपको बता दूं 2134 बूथ सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पर। और मतदाताओं की अगर बात करेंगे तो 27,65,074 मतदाता है सब टोटल मिलाकर। जी बिल्कुल, हर एक खबर पे अपडेट रखिए नितेश और हमें पल पल की जानकारी देते रहिए, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे तो, और छोटी बड़ी खबर पे नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं का सुबह से जाना शुरू हो चुका है और सुरक्षा चाक चौबंद है। वहीं सुबह सुबह लोगों को जो मतदान करने आए हैं, अपने मत का उपयोग करने आए हैं, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पे ईवीएम मशीन के खराब होने की खबरें भी सामने आ रही है। लोग अपने उत्साह के साथ मत का उपयोग करने आए, अपना मतदान डालने आए, लेकिन उनको लंबी लाइन लगने के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतनी व्यवस्था होने के बाद भी कहीं ना कहीं ढील देखने को मिल रही है, जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम की खराबी, हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, काफी कोशिश करी जाती है कि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से असुविधा का सामना कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है इस बार भी। हालांकि जैसे ही ये खबर पहुंच रही है, इसका निवारण किया जा रहा है, ईवीएम मशीन को ठीक किया जा रहा है या बदला जा रहा है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बड़ी टुकड़ियां लगाई गई हैं सेना बल की, और जिस तरह से कोरोना काल है तो उसको देखते हुए भी काफी तैयारियां की गई हैं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क का उपयोग कराना, सैनिटाइजर का उपयोग, साथ ही कई कई पे मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और 1 घंटे का समय दे दिया गया है, अधिक समय दिया गया है, ताकि लोग आराम से अपने मत का उपयोग कर सके। पहले शाम 5 बजे तक अपने चुनाव के समय, चुनाव में अपना मत डालने की समय सीमा रहती थी, लेकिन इस बार ये समय सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि पिछले चुनाव में भी ये समय सीमा बढ़ाई गई थी कोरोना के मद्देनजर। तो वहीं लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है मतदान और इस वक्त 8:15 हो रहा है और लोग पोलिंग बूथ पे नजर आ रहे हैं, अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, पहले मतदान कर रहे हैं, उसके बाद जो है अपने काम पर लौट रहे हैं। हालांकि आज अवकाश है, जहां जहां पे भी चुनाव है वहां पे सरकारी अवकाश है, तो लोग पूरा दिन आराम करेंगे और बिना किसी परेशानी के अपने मतदान के लिए जा सकते हैं। लेकिन उन लोगों की हम सराहना करते हैं जो सुबह सुबह सबसे पहला काम मतदान करते हैं। जैसे लोग सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और चुनाव जो कि एक लोकतांत्रिक पर्व है, और जब सुबह सुबह अपने ईश्वर को याद करने के बाद सबसे पहला काम जो मतदान करने जाते हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो जिम्मेदारी समझते हैं कि उनके मत का क्या महत्व है और उनके मत से जो परिणाम सामने आएगा वो पूरे देश की किस्मत संवारेगा। तो आज लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि कई जिलों पे काफी ठंड देखने को मिल रही है, कुछ जगह बारिश है तो कुछ जगह घना कोहरा भी है, तो ठंड से राहत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो काफी काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण का मतदान है, 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रत्याशी जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। पहले चरण की मतदान में आज जनता कई प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह सात बजे से शाम 6 बजे तक आज चुनाव होगा और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग और जितने भी पार्टी के नेता हैं या फिर प्रत्याशी हैं, सभी ने जनता से अपील करी है कि बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा ले, अपना वोट डाले, और लोगों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पे ईवीएम खराब है या फिर जो है कहीं लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और शांति से मतदान कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अप्रिय घटना भी देखने को मिलती है, कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कि हंगामा कर देते हैं या फिर जो है
शांति माहौल को भंग करने का काम करते हैं, तो इस पे लगाम लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करी गई है। हर पोलिंग बूथ पे आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग बूथ की हम दिखा रहे हैं और सभी जगह से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। वहीं कुछ पोलिंग बूथ संवेदनशील श्रेणी में भी रखे हुए हैं और इन जगह पे काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील रखी गई हैं। ये सीट जो संवेदनशील सीट है, खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाय, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना है। पहले चरण में 898 मोहल्ले हैं और 5,535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। इन पे काफी पुलिस फोर्स तैनात करी गई है और सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं हमारे जिले अलग अलग जिलों में हमारे संवाददाता भी मौजूद है और अब बुलंदशहर से हमारे संवाददाता शिवांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और आप भी मौजूदा स्थल पर पहुंच गए हैं, पोलिंग बूथ स्थल पर पहुंच गए हैं, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारी तादाद में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पर जो पोलिंग बूथ हैं उन पर देखा जा रहा है कि स्थिति जो है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और आला अधिकारी तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस बल है, वो बूथों पर तैनात कर दिया गया है। डीएम एसएसपी संतोष कुमार सिंह अब से कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर वोट डालकर गए हैं और उन्होंने खुद मतदान किया है। उसके बाद अलग अलग बूथों पर जाकर लगातार निरीक्षण किया जाएगा, स्थिति का जायजा लिया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो इसके लिए लगातार जो डीएम है और जो आला अधिकारी है वो लगातार बूथों पर निरीक्षण स्थिति का जायजा कर रहे हैं। शिवांग, क्या इस बार कोरोना के चलते जो पोलिंग बूथ की संख्या है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, क्या उसे बढ़ाया गया, जिस तरह से समय सीमा बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरोना गाइडलाइंस का तो पालन साथ करना ही होगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब एंट्री होगी तो आइडेंटिफिकेशन देखी जाएगी और उसके बाद में जो है वहां से मेन गेट से एंट्री मिलेगी और अंदर जाने के लिए तमाम यहां पर पुलिस बल तैनात है जिनको आइडेंटिफिकेशन दिखानी होगी, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात है वो देखने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है चुनाव वोट किए जा रहे हैं। जी शिवांग, ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि कई जगह ईवीएम मशीन खराब हो रही है, तो क्या बुलंदशहर में भी ऐसी खबर सामने आ रही है? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी बुलंदशहर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है और ना ही ऐसा सामने आई है कि जिसमें ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ बताई जा रही है, ऐसा बुलंदशहर में अभी तक तो कोई मामला सामने आया नहीं है। खुद अभी थोड़ी देर पहले संतोष कुमार सिंह डीआईजी और क्या नाम है चंद्र प्रकाश सिंह डीएम यहाँ के बुलंदशहर के, और वो निरीक्षण करके गए थे, पूरी स्थिति का जायजा लिया और सभी प्रकार जब उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक है उसके बाद खुद उन्होंने वोट डाली और उसके बाद अन्य बूथों पर निरीक्षण के लिए निकल गए थे। जी सुबह 7 बजे से अपना वोट डालने की प्रक्रिया जो है, जो समय सीमा है वो शुरू हो चुकी है, तो लोगों की क्या भीड़ देखने को मिल रही है सुबह सुबह, क्या लोग इतने ज्यादा उत्साहित है कि सुबह से ही आके अपना मतदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में उत्साह है और लोग लगातार जो 6:30 बजे से पोलिंग बूथ स्टार्ट हो गई थी, वोटिंग स्टार्ट हो गई थी, लोग बाग आने लग गए थे और लगातार यहां पर देखा जा रहा था कि भारी संख्या में लोग बाग आ रहे थे और अपना अपना वोट डालकर यहां से जा रहे थे और ये वोट लगभग ये जो वोटिंग है शाम को 5 बजे तक यहां पर लगातार जारी रहेगी और उसके बाद जो भी गतिविधियां हैं उन पर सब पर नजर रखी जाएगी। शिवांग, कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को मतदान से पहले जब उनका नाम ढूंढना होता है तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो क्या ऐसी भी दिक्कतें सामने आ रही हैं या उसके लिए कोई सुविधा दी गई है कि जो परेशानी आएगी उसको तुरंत समाधान किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए यहाँ पर जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं पहुंच पाया है घर तक, तो उसके लिए यहाँ पर बराबर में टीमें तैनात हैं और वहां पर जाकर अपना लोग बाग वोटर आईडी कार्ड देख रहे हैं, वहां से वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद सीधा पोलिंग बूथ में अंदर एंटर हो रहे हैं। जी शिवांग, हम चाहेंगे कि आप मतदाताओं से भी बात करें और सुबह सुबह जो अपने मत का उपयोग करने आए तो क्या कुछ सोच के आए हैं और मतदान करने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखिए हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप मतदान करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर मतदान करने आए? देखिए और भी मतदाताओं से बात करना चाहेंगे और यहाँ पर पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? चेतन गोयल।
अच्छा, आप आपने मतदान करा है, कैसा लग रहा है कि लोकतंत्र का त्योहार है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार चाहती है कि बढ़िया बने। योगी सरकार ने अच्छा करा है, और योगी सरकार माफियाओं को हटा रही है, गुंडागर्दी खत्म कर रही है, और आपका विकास अच्छा हो रहा है। बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से मतदाता जो है लगातार वो अपना बता रहे हैं कि कितना उनमें उत्साह नजर आ रहा है, साफ तौर पर देखा जा सकता है, और जो एक एक करके सभी मतदाता वोट डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। जी शिवांग, कई ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसे मतदाताओं से भी आप जुड़े और जानने की कोशिश करें कि पहली बार मतदान किया है, अपने जो एक फर्ज है इसको पहचाना है, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है और वो क्या चाहते हैं इस मतदान के जरिए? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे आसपास कोई ऐसे पहली बार फर्स्ट वोटर अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लगातार नजर बनाए रखेंगे, और जो भी यहाँ पर मतदाता आएंगे उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जाएगी, सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जी बिल्कुल शिवांग, हर खबर पे अपडेट देते रहिए। और मतदाताओं से आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं राजीव चौधरी। अच्छा, आप मतदान करके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित है और सारा कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन है। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा कुसुमलता। आज मतदान करके आए हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और हम उसी तरह से इसे मना रहे हैं। देखिए देखा आपने कि लगातार उत्सुकता बढ़ती जा रही है लोगों में, जो मतदाता हैं वो वोट देकर आ रहे हैं, और उनमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी उमड़ी हुई है, अपना अपना वोट देकर आ रहे हैं जो भी विधानसभा चुनावों के अंतर्गत था। जी बिल्कुल शिवांग। शिवांग आज कितने पोलिंग बूथ हैं और इनमें क्या संख्या बढ़ाई गई है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कोरोना के मद्देनजर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में लगभग 3,070 के करीब पोलिंग बूथ यहां पर चयनित किए गए हैं, जिन पर वोटिंग यहां पर लगातार जारी है, और अलग अलग जिले में अलग अलग सातों विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 3,070 सातों विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और उन पर कड़ी सख्ताई बढ़ती जा रही है, और लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि प्रशासन और आला अधिकारी और पुलिस की टीम, अर्धसैनिक बल, बीएसएफ और अन्य तमाम जो फोर्सेस हैं वो वहां पर भी तैनात की गई हैं। शिवांग हम जानना चाहेंगे कि कुल कितनी विधानसभा है बुलंदशहर में और कौन कौन सी पार्टी ने किस किस प्रत्याशी को कौन सी विधानसभा से उतारा है? जी देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में कुल 7 विधानसभाएं हैं, 7 विधानसभाओं में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में जो यहां पर मौजूदा प्रदीप चौधरी है, प्रदीप चौधरी को अपना टिकट दिया है बीजेपी ने, और उनके जो समक्ष जो गठबंधन प्रत्याशी हैं हाजी यूनुस है, और हाजी यूनुस ये साबित होते दिख रहे हैं कि बिगेस्ट कॉम्पिटिटर के रूप में ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन यहाँ पर बुलंदशहर में उनका सामने दिख रहा है, हाजी यूनुस अच्छे कॉम्पिटिटर के रूप में साबित होते दिख रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कल्लू कुरैशी बसपा से हैं, और लगातार अन्य अन्य जो प्रत्याशी हैं वो लगातार वोटों पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव से पहले क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली सभी दलों की, किस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आया, और क्या लगता है सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता नजर आ रहा है जनता पे? देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार प्रसार में तो 2 दिन पहले ही रोक लगा दी गई थी, क्योंकि 8 तारीख को ही अलर्ट कर दिया गया था कि उसके बाद कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होगा, शाम को सभी बंद कर दिया गया था प्रचार प्रसार, और मतलब जो प्रत्याशी हैं वो अपना लगातार जो है उनका 8 तारीख तक ही था, और उन्होंने उसके बाद में अपना रैली वैली निकाला, जो भी था उनका वो 8 तारीख तक उन्होंने अपना पूरा किया था, उसके बाद में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, और लगातार पुलिस भी इस पे शिकंजा कसे हुए है कि कहीं कोई प्रचार प्रसार किसी प्रत्याशी के द्वारा कुछ किया तो नहीं जा रहा है, और उन पर पुलिस की तरफ से साफ निर्देश है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य गतिविधि होती है या कोई चूक होती है तो उस पर सख्ताई बढ़ती जाएगी। शिवांग, बुलंदशहर में बीजेपी ने अपने कौन कौन से स्टार प्रचारक उतारे अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर में बीजेपी में लगातार 7 सीटों पर कैंडिडेट अपने जारी किए हैं, और वो देखा जा सकता है कि लगातार बीजेपी के कैंडिडेट भी मौजूदा जो सियाना है, सियाना विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं उनको वापस टिकट मिला है, और संजय शर्मा जो विधायक अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र,
वहां पर भी लगातार उनको संजय शर्मा जो विधायक है उनको वापस टिकट मिला है। खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से मीनाक्षी सिंह है उनको वापस टिकट दिया गया है। स्टार प्रचारक के तौर पे कौन आया था और प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वोट की अपील की शिवांग? ये बिल्कुल देखिए, बुलंदशहर में जो शीर्ष नेता हैं उनका लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा था। शीर्ष नेता लगातार आ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 दिन के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ अलग अलग विधानसभाओं में खुद 3 बार आए थे बुलंदशहर में, और साथ ही साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बुलंदशहर आए थे और उन्होंने लगातार जनता से वोट की अपील की थी, जनसंवाद कार्यक्रम किया था और उन कार्यक्रम के तहत जनता से लगातार वोट की अपील कर रहे थे। जी बिल्कुल शिवांग, हर एक अपडेट पे नजर बनाए रखिए और हमें अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता शिवांग जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पोलिंग बूथ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अभी तक ईवीएम की गड़बड़ी की कोई खबर बुलंदशहर से तो सामने नहीं आई है। वहीं मतदाता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। स्टार प्रचारकों की बात करें तो स्टार प्रचारक भी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।